हिमाचल में पिछले कई सालों से जल शक्ति विभाग में 1571 पार्ट टाइम वर्कर लगाए गए थे, जिनको मौजूदा सुखविंदर सरकार ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब पार्ट टाइम वर्कर लगातार सरकार से नौकरी बहाली की मांग कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने शिमला में धरना दिया। इनकी मांग है कि जल शक्ति विभाग में इनकी सेवाओं को सरकार बहाल करे, साथ ही इनके लिए कोई नीति बनाई जाए। जल शक्ति विभाग में लगे पार्ट टाइम वर्कर के अध्यक्ष राजेश शर्मा का कहना है कि 30 सितंबर 2022 को कंपनी का टेंडर खत्म हो गया। बावजूद इसके इनसे विभाग में 3 महीने तक सेवाएं ली गई, उसके बाद काम पर आने से मना कर दिया गया। सर, हमारी मांग सर्वप्रथम ये है कि एक तो हमारी नौकरी जो है दिसंबर 31, 2022 को जो इन्होंने हमें निकाल दिया गया है, हमारा टेंडर खत्म हो गया दिसंबर 2022 को। उसके बावजूद हमारे से जो है कहीं से फरवरी तक, कहीं से मार्च तक जो है काम लिया गया विभाग की तरफ से। तो हम सरकार से एक ही मांग करते हैं कि हमें जो निकाला गया है, वो जो हमारा निष्कासन हुआ है, वो निष्कासन बिल्कुल गलत तरीके से हुआ है। हमें ना कोई टर्मिनेशन लेटर दिया गया है, ना विभाग की तरफ से दिया गया है, ना कंपनी की तरफ से दिया गया है। तो सीएम साहब से व डिप्टी सीएम साहब से हमारी पहली मांग होगी कि हमें जो है इसमें प्राथमिकता दी जाए। ये जो भर्तियां नई भर्तियों के लिए बात कर रहे हैं, तो उसमें जो हमें प्राथमिकता दी जाए। हम 4 महीने से जो है घर में बेले बैठे हुए हैं। खैर, अब देखना होगा कि पार्ट टाइम वर्करों की समस्याओं का समाधान कब और कैसे होता है। सूर्य समाचार के लिए शिमला से कमल ठाकुर की रिपोर्ट।